हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रम क्लासेस चैनल। दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी का प्रम क्लासेस के मंच पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आज का विषय क्या है क्लास का। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसे आपने अपनी भाषा में तो आज तक नहीं सुना होगा। टू द वर्ल्ड, स्पष्ट रूप से सरल भाषा में आज हम जानना चाहेंगे और जानने जा रहे हैं कि भारत जैसे महानतम लोकतंत्र की संसद क्या है और संसद की गरिमा क्या है। दोस्तों, संसद की गरिमा का विषय क्यों उठा? दोस्तों, इसलिए उठा कि इसकी जो नैतिकता है, इसमें जो आए दिन घटनाक्रम हो रहे हैं, जूतम पेजार हो रहे हैं, मोबाइल फेंके जा रहे हैं, चप्पलें फेंकी जा रही है और कोई बहरूपिया संसद भवन के अंदर प्रवेश कर जाता है और आतंकी हमले हो जाते हैं और स्मोक अटैक होता है, ये सारी चीजें हमें संसदीय गरिमा पर सोचने को मजबूर करती है। दोस्तों, आज हर कोई जानना चाहता है कि भारतीय संसद के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। दोस्तों, और तो हम जिन्हें सुनकर भेजते हैं हमारे प्रतिनिधि के रूप में, वो विपक्ष के साथ मिलकर पैसे के बदले में सवाल पूछते हैं विपक्ष। तो कहां न्याय हुआ आम जनता के साथ? दोस्तों, जब देश आजाद हुआ तो हमने क्या क्या सपने देखे थे कि हमारी संसद ऐसी होगी, हमारा स्वरूप ऐसा होगा और जिन्हें हम चुनकर भेज रहे हैं वो हमारे लिए सोचेंगे। दोस्तों, मैं बताऊं आप, संसद भारतीय लोगों के महत्वाकांक्षाओं का मंदिर है, आशा का दीप है, भारतीय नागरिकों की आशाओं का दीप है संसद। और यदि मैं यूं कहूं कि भारतीय संसद सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है या निकाय है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यह वह निकाय है जिसे संविधान के संशोधन से लेकर विधि निर्माण तक का अधिकार है। उसे अधिकार है बदतमीजी करने वाले, बद इंतजामी करने वाले और नैतिक आचरण से भ्रष्ट होने वाले जो सांसद है उनको कान पकड़कर बाहर निकालने का अधिकार। दोस्तों, दिन प्रतिदिन संसदीय गरिमा का हनन होना और उनकी ठेस पहुंचना, यह एक चिंता का विषय है। हम जितना बड़ा लोकतंत्र हैं, भारत का लोकतंत्र विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है राम राज्य की दिशा में, लेकिन दोस्तों, जो इसकी गरिमा का सवाल है वो इसे क्वेश्चन मार्क लगा देता है। दोस्तों, आज मीडिया का जमाना है, मीडिया इसे एक्सक्लूसिव न्यूज करके दिखाता है, लाइव टेलीकास्ट करता है। जब संसद का सत्र चल रहा है तो सांसद सो रहे हैं, जमाई ले रहे हैं, ये गरिमा का हनन नहीं तो क्या है? नैतिकता और संसदीय आचरण जैसी चीज आज कहीं खोसी गई है। दोस्तों, हम किससे सीखते हैं? हमारे जो पहरुए हैं या हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो हमारे लीडर हैं। दोस्तों, पिछले दिनों हमारे एक युवा सांसद जो प्रधानमंत्री बनने का दम भरते हैं, उन्होंने विदेशों में जाकर
हमारे हिंद देश की जो आलोचनाएं की है उन्हें किसी भी दिशा में किसी भी दशा में भारतीय कहने का अधिकार नहीं है। दोस्तों ठीक है, पक्ष विपक्ष में नहीं बन रही तो यही तो चीज होती है, लेकिन आप संसदीय गरिमा का हनन करते हुए उसकी आलोचना दूसरे देश में जाकर करें यह कभी भी स्वीकार्य नहीं है। दोस्तों हम मान्य मूल्यों की बात करते हैं, वहां पर बैठे हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री बात करते हैं कि विद्यालयों में मानवीय आचरण मानवीय मूल्य नैतिकता का पाठ पढ़ाना चाहिए और वो क्या कर रहे हैं हमें पता नहीं है क्या? दोस्तों भारतीय संसद हमारे लिए एक मंदिर है जिसमें हमें नैतिकता के दर्शन होने चाहिए, एथिकल वैल्यूज के दर्शन होने चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट के दर्शन होने चाहिए, लेकिन हो क्या रहे हैं हमें सबको पता है। तो दोस्तों आज जानते हैं संसदीय गरिमा क्या है, उसको जानते हैं। दोस्तों संसदीय गरिमा वह आचरण है जो कि सांसदों के द्वारा किया जाना अपेक्षित है, उनके द्वारा जो क्रियाकलाप वहां चल रहे हैं संसद के भीतर या जो कि कार्यक्रम है, चाहे प्रश्नकाल है, चाहे कोई सा है, चाहे बजट है, उस दौरान शालीनता दिखाई जाए, भद्रता के पास पेश आया जाए, यह संसद की गरिमा। दोस्तों भारतीय संसद सर्वोच्च जनप्रतिनिधि निकाय है। जनप्रतिनिधि क्यों कहा गया? क्योंकि यहां पर आम जन और मतदाताओं के चुने हुए जनप्रतिनिधि उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों इसके अलावा इसे विधि निर्माण के साथ साथ संविधान में संशोधन का भी अधिकार है, लेकिन पिछले काफी अरसे से संसदीय गरिमा को आहत करने वाली घटनाएं बेबाकी रूप से बढ़ी है। दोस्तों कुछ दल ऐसे हैं जिन्होंने पैसे लेकर सवाल पूछने का मामला भी लोकसभा की आचार समिति में विचाराधीन है। यह मसला दिखता छोटा लेकिन गंभीर है। दोस्तों पैसे लेकर सवाल पूछना, अब किस ईमानदारी की बात कर रहे हैं, कौन से आचरण की बात कर रहे हैं, कौन सी नैतिकता की बात कर रहे हैं, बताइए मेरे कि सवाल पूछती है जनता आपसे। दोस्तों समिति की पहली बैठक अप्रियवाद विवाद की भेंट चढ़ गई, यहां पर भी गरिमा तार तार हुई। दोस्तों संसदीय गरिमा के अवमूल्यन का यह पहला मामला नहीं है। दोस्तों यह होता आया है, यह तो पुनरावृत्ति है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। दोस्तों इसके अलावा पीवी नरसिंहा राव की सरकार जब थी 1993 में, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिब्बू सोरेन और उनकी पार्टी के कुछ सांसदों पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध वोट के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था और ये बाद में रद्द कर दिया गया। क्यों? क्योंकि संसद भवन भारतीय संसद कुछ ही लोगों के हाथों की कठपुतली बनकर रहना चाहती है दोस्तों, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। वर्तमान समय में एक ऐसा सूर्य उदय हो रहा है दोस्तों, नए भवन में नए नैतिकता और नए आचरण दिखाई देंगे, यह हमें विश्वास है। दोस्तों इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 105(2) के अधीन आरोपी सांसदों के विरुद्ध मामलों को रद्द कर दिया। संविधान अनुच्छेद
105(2) के अनुसार क्या व्यवस्था है, संसद का कोई सदस्य संसद या उसकी समिति में कही गई किसी विवाद या दिए गए वोट के संबंध में अदालत में किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यह कहकर उन्हें माफ कर दिया गया। ये नैतिकता का हनन नहीं है तो क्या है दोस्तों, बताइए दोस्तों। इसके अलावा यही प्रावधान अनुच्छेद 194(2) में राज्य विधानमंडल सदस्यों के लिए भी है। दोस्तों न्यायालय ने 1998 के संविधान पीठ के फैसले के औचित्य से फिर से जांचने की आवश्यकता महसूस की है, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब संसद कुछ ही लोगों के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएगी और ईमानदारी वो तो सोचने के लिए भी नहीं रहेगी। दोस्तों समय है किस चीज का, जागने का। दोस्तों एक चीज और है, संसदीय सदनों के भीतर और बाहर सदस्यों से शालीन परंपराओं की अपील की जाती है और आशा की जाती है कि वे भारतीय जो मूल्य है, मानक मूल्य है जिसकी वजह से भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन है, उनको ध्यान रखे। लेकिन दोस्तों सारा गुरु हो गया। दोस्तों बात कर रहे हैं हम 1951 की, जिसमें अंतकालीन संसद के एक सदस्य H.G. मुद्गल के भ्रष्ट आचरण की जांच के लिए एक समिति बनाई गई। उस सदस्य ने जांच समिति की आवश्यकता नहीं मानी, कहा गया कि सभा की विशेषाधिकार समिति पर्याप्त है। अध्यक्ष माव लंगर ने कहा कि विशेषाधिकार समिति के बावजूद सभा को विशेष परिस्थिति में समिति बनाने के अधिकार है। विशेष जांच समितियों की परंपरा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी है। दोस्तों समिति की जांच में मुद्गल दोषी पाए गए, उन्होंने सभा से बर्खास्तगी का प्रस्ताव आने के पहले त्याग पत्र दे दिया। वाह, कोई करे भी तो क्या करे, क्या कर सकते हैं। ये है यहां पर भारतीय संसद में नहीं, भारत के मनोवृत्ति है भारत कि यदि समस्या को खत्म करना है तो छोटी समस्या के आके बड़ी समस्या खड़ी कर दो, छोटी समस्या अपने आप कर दो। दोस्तों 12 दिसंबर 2005 को एक निजी टेलीविजन चैनल कुछ सांसदों को प्रश्न पूछने के लिए धन लेना स्वीकार करते हुए दिखाया। मैंने क्या कहा, आज का युग मल्टीमीडिया मीडिया का युग है, जनसंचार का युग है, वहां पर लाइव दिखाया जाता है कि आप क्या कर रहे हैं। पैसे उछालना, सांसदों को खरीदना, जैसे भेड़ बकरी खरीद जाते हैं वैसे, ऐसे तो आजकल भेड़ बकरियों की बोली नहीं लगती है वैसे। एक चीज और बताइए, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अभी वर्तमान का ही है, जब एक किसी भी एक दल को बहुमत नहीं मिला, गठबंधन की सरकार बनाने की बात हुई तो सबने अपनी अपनी बोली खुद ने लगाई, खुद बिकने को तैयार हो गया, मेरे को ये डिपार्टमेंट चाहिए, मेरे को ये मंत्रालय चाहिए तभी मैं शामिल होऊंगा। कि संसद की गरिमा के साथ अन्याय नहीं है तो क्या है, बताइए। दोस्तों 23 दिसंबर 2005 को सभी सदस्यों की बर्खास्तगी हुई, 10 सदस्य थे जिनको टीवी पर धन लेना स्वीकार करते दिखाया गया। उसके बााद इसी तरह 19 दिसंबर 2005 को एक अन्य चैनल ने संसद सदस्य क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन के मामले में कुछ सदस्यों का अनुचित आचरण में लिप्त दिखाया गया और इसकी भी जांच हुई, एक सदस्य बर्खास्त हुए और 4 निलंबित हुए। बस ये सजा थी। दोस्तों मैं बात पूछना चाह रहा हूं, क्यों ये जनप्रतिनिधि आम नागरिकों के साथ, मतदाताओं के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, क्यों उनके विश्वास के साथ खेल रहे हैं, क्यों दिन प्रतिदिन ये घटनाएं बढ़ रही है। दोस्तों यदि समाधान सही ढंग से नहीं हुआ तो ये मर्ज बढ़ता जाएगा और एक दिन हम पूरे विश्व में कहीं भी मुंह दिखाने लायक, जिसे हम बात करते हैं कि वो तानाशाह है, वो
तोप में डालकर किसी को उड़ा देता है, वैसे हमारी संसद की बात कर रहे होंगे लोग। इसके अलावा बाबू भाई के कटारा संसद सदस्य ने अपनी पत्नी और पुत्र के पासपोर्ट का दुरुपयोग किया, यह है संसद की गरिमा। जांच में दोषी पाए गए और 21 अक्टूबर 2008 को बर्खास्त किए। बस निकाल दो संसद से, यह हो गई व्यवस्था, यह है अपराध। यह चीज है दोस्तों, आप देख लीजिए किस स्तर तक हमारा नैतिक आचरण गिर चुका है दोस्तों। इसके अलावा इसी तरह अनेक सदस्य बर्खास्त हो चुके हैं। प्रख्यात संसद विज्ञान अशिकन मैन ने पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस में भ्रष्टाचार के साथ ही अशोभनीय व्यवहार के कारण भी सदस्यों के बर्खास्त की परंपरा बनाई। दोस्तों क्या है, पैसे ले लिए, मैं सांसद हूं, पैसे ले लिए और मुझे बर्खास्त कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने करोड़ों रुपए बना लिए, मेरा जो व्यवहार है वो तो भ्रष्ट है ही, और मैंने हाथ खड़े कर दिया, मैं दिवालिया हो गया, मेरे पास कोई पैसा नहीं, निकाल दे, क्या है, पैसा तो कमाया नहीं। ये है संसदीय आचरण आज की दुनिया का, आज के समय का। दोस्तों इसके अलावा सदस्यों का आचरण महत्वपूर्ण विषय रहा है। यद्यपि एक समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि सदस्य के आचरण की विस्तार पूर्वक परिभाषा नहीं है, तो भी सभा को शक्ति है कि वह प्रत्येक मामले में यह निश्चय करे कि सदस्य का आचरण अनुचित है या ऐसा संसद सदस्य को शोभा नहीं देता। तो क्या करेंगे वो, सभापति के साथ भी दुर्व्यवहार कर लेते हैं, अभी हाल ही में देखा गया, तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, एक बस चेतावनी देके छोड़ दिया गया और वही पुनरावृत्ति होती है। दोस्तों इसका जिम्मेदार कौन है, इसका जिम्मेदार असली ढंग में तो मतदाता है, वो मतदाता जो नोटा का बटन नहीं दबाता है। दोस्तों एक दिन यदि एक बार इलेक्शन के दौरान मतदाता नोटा का बटन दबा दे सभी मतदाता मिलकर, तो उनको पता लग जाए कि संसद की गरिमा कैसे तार तार होने से बचाई जा सकती है। दोस्तों संसद जो कि आपकी भावनाओं का मंदिर है, उसमें खिलवाड़ किया जा रहा है। दोस्तों इसके अलावा सभा को सदस्यों के अनुचित आचरण के लिए दंड देने का अधिकार है, लेकिन दंड क्या है, बर्खास्त कर तो बस। सभा सदन के अंदर और बाहर सदस्यों के आचरण के लिए अधिकार का प्रयोग कर सकती है, अव्यवस्थापूर्ण आचरण और अवमानों के लिए दंड भी दे सकती है। दोस्तों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 29 अगस्त 1966 के निर्णय में इसी तथ्य को मजबूत किया है। दोस्तों विधानसभा ने दो सदस्यों को सदन से निष्कासित किया और यह निर्णय सुनाया कि सदस्यों के आचरण से संतुष्ट नहीं होने की वजह से अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए उन्हें निष्कासित किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा बहुत से ऐसे हुए हैं, कांड बोलूंगा मैं, केस नहीं कांड बोलूंगा, घटनाएं नहीं कांड हो। दोस्तों एक चीज और है, संसद में इस जो व्यवहार हो रहा है उनके लिए हमारे संविधान में कोई आचार संहिता नहीं है, उनके लिए एक है कि आप अपनी लिमिट को ध्यान रखें, लेकिन दोस्तों लिमिट कुछ भी नहीं है आचरण की। गाली गलौज तो बहुत कम है, जूतम पेजार होना, माइक फेंकना, जूते फेंकना, मारपीट करना, गाली गलौज करना, अपशब्द कहना, तू मैं होना, ये हमारे संसद की आज की परिभाषा बन चुकी है, ये वास्तविकता है। दोस्तों कहना नहीं चाहते, लेकिन आज का मीडिया पूरे विश्व में दिखा चुका है कि भारतीय संसद कैसे तार तार हो रही है। नया भवन होने से नहीं, भवन के अंदर आपके आचरण किस तरह के हैं यह उस बात पर निर्भर करता है। दोस्तों इसके अलावा अधिकारियों के सम्मेलनों में अनुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शिष्टाचार बनाए रखने का मुद्दा बार बार चर्चा में आता है। गुजरात में पीठासीन अधिकारियों ने सम्मेलन में
मई 1992 में हुए सम्मेलन में तय किया कि सदन के भीतर अनुशासन और शिष्टाचार बनाए रखने के मुद्दे पर विचार करने के लिए अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया जाएगा और 23 और 24 सितंबर 1992 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में एक सम्मेलन हुआ। परंपरागत मापदंडों, नियमों और प्रावधानों के आधार पर एक प्रारूप तैयार किया। इसी अनुशासन और शिष्टाचार पत्रक में जोर दिया गया, अपेक्षा की गई कि सभी राजनीतिक दल अपने विधायकों, सांसदों के लिए आचार संहिता बनाए उनका अनुपालन सुनिश्चित करें। लोकसभा के स्वर्ण जयंती समारोह में सत्र में भी यह विषय आया। सभा द्वारा पारित संकल्प में गरिमापूर्ण आचरण पर जोर दिया गया और इतना ही नहीं, अनुशासन और शिष्टाचार का विषय चंडीगढ़ में जून 2001 में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में फिर से उठा। क्यों उठा? क्योंकि उस दौरान तक कई और मामले सामने आ चुके थे। दोस्तों, नैतिकता, शालीनता, जीवन मूल्यों का उच्च स्तर कायम करना संसद की जवाबदेही है, उत्तरदायित्व है। दोस्तों, जैसा हमारे प्रतिनिधि करेंगे वैसे ही हम उनसे सीखेंगे और वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पीठासीन अधिकारी के प्रत्येक सम्मेलन में संसदीय आचार संहिता का विषय विमर्श बना हुआ है, लेकिन दोस्तों आए दिन यह होता रहा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। संसद में और उसके सदनों में अव्यवस्था अखिल भारतीय संसदीय बीमारी है, जोंक है, महामारी है, कोरोना से भी ज्यादा महामारी। दोस्तों, क्या है, संसद और विधानमंडलों की प्रक्रिया नियमावली अनिवार्य रूप से पालनीय होती है, ये हम सब जानते हैं। पीठासीन अधिकारी के सामने व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती होती है। सदन के सदस्यों का निलंबन आखिरी विकल्प होता है। दोस्तों, एक ऐसा उदाहरण मैं दूंगा जिससे कि आपकी आंखें फटी फटी रहती है कि ये आचरण होता है संसद में। दोस्तों, मार्च 1989 वह समय था जब राजीव गांधी युवा सांसद और युवा ऊर्जा के धनी राजीव गांधी की सरकार थी। सांसद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पर ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को लेकर हंगामा कर रहे थे। तब 63 सांसद निलंबित हुए थे, 63 सांसद। दोस्तों, क्या यह हमारे संसद की आचार संहिता, क्या यह नैतिकता है? दोस्तों, बड़े शर्म की बात है कि हमारे जो मूल्य है संसदीय, वो आज इस तरह से उछाले जा रहे हैं। इसी तरह 13 फरवरी 2014 को 18 सांसद निलंबित किए गए थे। 4 अगस्त 2015 को 25 सांसद 5 दिन की अवधि के लिए निष्कासित और निलंबित किए गए थे। 2021 में कृषि कानूनों पर हंगामा करने वाले 12 सांसदों को राज्यसभा से बर्खास्त किया गया। यह होता है उनके साथ, लेकिन वो तो अपना काम कर चुके। जो उनको अपना रवैया दिखाना था वो दिखा गए, अब क्या? दोस्तों, जुलाई 2022 को राज्यसभा में 19 सांसद निलंबित हुए। मूलभूत प्रश्न यह है कि सदनों के भीतर हंगामा और विकल्पहीनता के सदस्यों का निलंबन क्या संसदीय प्रणाली का अनिवार्य हिस्सा बन चुका है? क्या अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने का एकमात्र विकल्प आचारहीनता ही है? सांसद और विधायक विशेषाधिकार से युक्त माननीय होते हैं, हमारे लिए सम्माननीय है उनका आचरण, उनका आदर्श आचरण संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करता है, राम राज्य की परिकल्पना को साकार करता है और आचरण की थोड़ी सी त्रुटि भी आम जनों को संसदीय व्यवस्था में अविश्वास के ओर धकेल देती है और उन्हें निराश कर देती है कि हमने सरकार क्यों चुनी। संसदीय व्यवस्था से जुड़े महानुभाव खुद चिंतन करें तभी संभव है। इसके अलावा दोस्तों, एक चीज और, वर्तमान समय में सारी चुनौतियों को छोड़ दीजिए, एक चुनौती बहुत बड़ा बढ़िया और यक्ष प्रश्न है कि कैसे संसदीय गरिमा को बरकरार रखा जाए।
अक्षुण कैसे रखा जाए। दोस्तों संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा गया, ऐसे नहीं कहा गया, परंतु इन दिनों इस मंदिर की पवित्रता को नष्ट करने के भी सारे इंतजाम किए जा रहे हैं जो इसके पहले पक्ष या विपक्ष ने नहीं किए। इसके ताजा तरीन उदाहरण हर रोज आपको पेश किए जाते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से और सोशल मीडिया में। दोस्तों वर्तमान में इसकी मान मर्यादा को नष्ट करने में पक्ष विपक्ष दोनों की भूमिका बराबर की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब संदेह के दायरे में इसके अभिभावक आ जाए तो परिस्थिति बिल्कुल विपरीत चली जाती है और वहां न्याय की कल्पना करना किसी भी गुना से कम नहीं। फिलहाल लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन की भूमिका पर सवाल उठा। दोस्तों जो भारत के संसद के लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है किसी भी स्थिति में, जब सभापति या चेयरमैन या स्पीकर पर सवाल उठते हो तो मान लीजिए कि वो संसद है वो किस दोहराए पर खड़ी है। दोस्तों वैसे भी जिस देश का संविधान संसद के इर्द गिर्द घूमता हो वहां लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति यानी संसदीय लोकतंत्र के अभिभावकों का सवालों के घेरे में रहना कतई शुभ नहीं है। और हमारा देश संसद के इर्द गिर्द ही घूमता है क्योंकि संसद केंद्र बिंदु है और उसी में बैठे हमारे पैरवे हमारे लिए शुभ अशुभ के बारे में चिंतन करते हैं। ये हम सोच रहे हैं ये है नहीं, क्योंकि वो स्वार्थ लोलुप है, तभी तो नैतिकता के आचरण को छोड़कर भ्रष्टाचार के दामन में अपना मुंह छुपाए रहते हैं। दोस्तों स्पीकर भी किसी न किसी पार्टी से जुड़ा रहता है, जबकि विषय यह होना चाहिए कि वो निष्पक्ष होना चाहिए। दोस्तों परंतु स्पीकर बनने के बाद उसकी भूमिका बदल जाती है और उसके लिए निष्पक्ष आचरण करना जरूरी है, परंतु इन दिनों विपक्ष को सत्ताधारी पार्टी की भूमिका कम और स्पीकर और सभापति की भूमिका ज्यादा परेशान करती है। तो विपक्ष के नेता ऐसी बातें कह जाते हैं जो स्पीकर और सभापति की शान के खिलाफ चला जाता है। दोस्तों ऐसे में हमें सर्वप्रथम उन तत्वों की गतिविधियों पर नजर दौड़ानी होगी जो कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में और उसके संसद किसान में बट्टा लगा रहे हैं। इसी कड़ी में संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में 19 दिसंबर को विपक्षी सांसदों का निलंबन जारी रहा। दोस्तों ये बड़ी शर्म की बात है कि जो सांसद हमारे पहरवे हैं हमारे प्रतिनिधि हैं उनका दिन प्रतिदिन निलंबन होना अच्छा संकेत नहीं है। दोस्तों 50-50 सांसदों का निलंबन किया जा रहा है, ये बहादुरी का काम नहीं। दोस्तों 45 तो राज्यसभा के सांसद और 34 को शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित किया गया है। 11 सांसदों को उनके व्यवहार पर विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक निलंबित किया गया है। दोस्तों ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो कि हमें सोचने को मजबूर करते हैं कि हमारी संसदीय व्यवस्था ढंग से नहीं चल रही है। इसके अलावा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति पर मनमाने तरीके से सांसदों को निलंबित करने का आरोप लगाया है। कितनी हिम्मत हो गई एक बुजुर्ग सांसद के को अपनी इज्जत करवाना आना चाहिए वो सभापति पर आरोप लगाता जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संसद में आने से बच रहे हैं। कैसे आरोप है और उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है भारतीय, बड़े शर्म की बात है। दोस्तों जब उम्र पक जाती है तो अनुभव भी होने चाहिए, लेकिन अनुभव ऐसे नहीं कि आप आचरणहीनता करते जाए। दोस्तों मोदी और शाह बाहर लेक्चर दे रहे हैं, उन्होंने सदन की गरिमा का एक तरह से अपमान किया, वो ये कह रहे हैं डेमोक्रेसी का अपमान करने वाले हमें पाठ पढ़ाते हैं। दोस्तों खड़गे कम नहीं, उन्होंने जो शब्द
प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और राष्ट्र के लिए युद्ध में लिए हैं वो यहां मैं आपको बता नहीं सकता। बोलो जो उनकी भाषा है वो कतई शोभनीय नहीं की जा सकती। अशोभनीय भाषा का उपयोग करना एक सीनियर मोस्ट सांसद के लिए कहीं भी सम्मानजनक नहीं की जा सकती। इसके अलावा ये बड़े दुख की बात है कि सदन के स्पीकर और चेयरमैन दोनों ने सांसदों को प्रोटेक्शन नहीं दिया और उन्हें मनमानी तरीके सस्पेंड कर दिया। दोस्तों जानकार बताते हैं कि देश के इतिहास में पहली बार यह है कि इतने लोगों को सस्पेंड किया गया है। यह डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन उनको भी तो सोचना चाहिए कि आचरण कैसा किया जाना चाहिए। माना संविधान में व्यवस्था नहीं है तो हमें तो हमारी व्यवस्था करनी है। एक बात बताइए, घर में बुजुर्ग हैं, मां बाप है, क्या वो अपने बच्चों को आचरण नहीं सिखाते? लेकिन आचरण कैसे सीखेंगे जब वो स्वयं नैतिक मूल्य और आचरण का ध्यान रखेंगे तभी तो हम सीखेंगे। यही बात संसद पर ठीक सटीक बैठती है। दोस्तों ये डराने की बात हो गई है, इस तरह डरा कर डेमोक्रेसी खत्म किया जाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो क्या किया जा सकता है? दोस्तों उल्लेखनीय है कि इससे पहले विपक्ष ने सरकार की आगे दो मांगे रखी। एक तो यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री को संसद की सुरक्षा में गंभीर उल्लंघन पर दोनों सदनों में बयान देना चाहिए, और दूसरी मांग यह है कि इस मामले पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि गृह मंत्री की सुरक्षा में चूक हुई, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई जब वो एक राज्य की यात्रा पे थी। दोस्तों दोनों ही शोचनीय है, यदि कुछ अनहोनी हो जाती तो कभी सोचा है किसी? केवल अपनी स्वार्थ लोलुपता के आगे हम सब कुछ भूल जाएंगे। दोस्तों विपक्ष ने यह भी आशंका जताई कि विपक्ष रहित संसद में अब मोदी सरकार महत्वपूर्ण लंबित कानूनों को बिना बहस के बहुमत के बावजूद से पारित करवा सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये गलत है। दोस्तों संसद किसी के हाथों की कठपुतली नहीं है, बपोती है। विपक्ष है इसका विरोध कर सकता है, लेकिन विपक्ष को विरोध करने का ढंग तो आए, उनकी आचरणशीलता तो देखिए आप किस ढंग की भाषा का उपयोग करते हैं, सोचनीय है। दोस्तों शर्मनाक है वो भारतीय संसद के लिए। इसके अलावा दोस्तों ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो कि समय समय पर उठते आए हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, 13 दिसंबर को संसद पर हमले की वर्षी थी, उस दिन सदन की कार्यवाही के दौरान दो लोग दर्शक दीर्घा से कूदकर सांसदों के बीच आ गए, विरोध प्रदर्शन करते हुए उन्होंने स्मोक कैन भी खोले जिसमें से पीले रंग का धुआं निकला, इसे सुरक्षा बड़ी चूक माना जा सकता है। फिर आरोप कुछ भी लगाए जाए लेकिन संसदीय गरिमा तो तार तार हो गई, सुरक्षा के जो सारे घेरे थे वो टूट गए सारे घेरे। दोस्तों इसी मुद्दे पर विपक्ष सरकार से लगातार प्रश्न पूछ रहा था और प्रदर्शन कर रहा था। दोस्तों हमारे देश की संसदीय व्यवस्था दुनिया की उत्कृष्ट व्यवस्था मानी जाती है, ये सही है, मगर अब जिस प्रकार की गिरावट संसदीय व्यवस्था में देखी जा रही है उसे देश का आमजन आहत है, वो दुखी है कि क्या है व्यवस्था जिस संसदीय व्यवस्था के वाहक पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, जी मावलंकर, अटल बिहारी वाजपेयी, सोमनाथ चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस जिसे लोग रह चुके हो, आज उसका स्तर कहां से कहां पहुंच गया है बड़ा ही शोचनीय है, गंभीर शर्मनाक है। किसी जमाने में संसद में जब किसी मुद्दे पर बहस हुआ करती थी तो पूरा देश इस बात का इंतजार करता था कि आखिर बहस में क्या हुआ। वर्तमान परिस्थितियों में आमतौर पर जब किसी विषय पर संसद में बहुत ज्यादा बहस होती है तो अधिकांश सीटें खाली रहती है, क्योंकि बोलने का अधिकार नहीं है सांसद। और जब लेकिन दूसरी स्थिति यह भी है, सांसद को बोलने का अधिकार क्यों नहीं? क्योंकि वो आचरणहीनता का व्यवहार करते, आचरणशीलता का नहीं। दोस्तों आखिर इस प्रकार की स्थिति क्यों उत्पन्न होती है?
उस पर विचार किए जाने की महती आवश्यकता है। या तो सांसद विषय की गंभीरता न समझते हो, या फिर उन्हें लगता हो कि संसद में बैठकर बेवजह समय क्यों बर्बाद किया। दोस्तों ऐसे ऐसे बिल है जिन्हें तो पक्ष पारित करना चाहता है न विपक्ष। अन्ना हजारे ने लोकपाल के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, क्या हुआ? जीरो। क्योंकि उनका पता था कि यदि लोकपाल के दायरे में आ गए तो कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं रह सकता, भ्रष्ट तंत्र नहीं पनप सकता, सब अपने स्वार्थ में रहेंगे। दोस्तों जितनी देर में संसद में रहेंगे उतने समय में कुछ और काम कर लेंगे, उनका पार्ट टाइम जॉब और चल रहा है। पहले माना जाता था कि संसद का काम ही कानून बनाना है, वह विधायी संस्था है, इसलिए संसद का 50% समय कानून बनाने में लगता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। पिछली 3 लोकसभा में संसद में ने अपना केवल 12-15% समय ही कानून बनाने में खर्च किया, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अब संसद केवल 13% समय ही कानून बनाने में खर्च कर। दोस्तों यही वजह है कि जब भी संसद में किसी बिल पर बहस होती है तो अधिकांश सदस्य की उपस्थिति न के बराबर होती है, जिसे साफ जाहिर है कि सदस्य का रुझान काफी हद तक इस काम में कम हुआ है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसे मौकों पर लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, खूब बहस होती थी और शालीन बहस होती थी। दोस्तों 13 मई को भारत की संसद के 60 साल पूरे हो गए। इन 60 सालों के दौरान संसद ने काफी उतार चढ़ाव भी देखे। दोस्तों पहले संसद में अभिजात्य वर्ग के अधिक लोग आते थे, प्रबुद्ध लोग आते थे, तब आम आदमी और किसानों की समस्याओं को लेकर बहुत अधिक चर्चा होती थी, मगर आज ऐसे सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है जो किसान परिवार से आए हैं, मगर इसके बावजूद संसद में किसानों की समस्या को लेकर कोई सार्थक बहस नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि सांसद खरीदे जा चुके और आज सांसद वो बनाए जा रहे हैं, प्रबुद्ध लोग नहीं, न अभिजात्य वर्ग से, वो बनते जा रहे हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा केस लंबित है, जिनके नाम पर आपराधिक रिकॉर्ड है, वो सांसद बनते जा रहे हैं। यह हकीकत है। संसदीय लोकतंत्र है, संसदीय मर्यादाओं को बरकरार रखने में विपक्ष की बहुत भूमिका है, बहुत महत्वपूर्ण अहम भूमिका। मगर कहा जा रहा है कि आज का विपक्ष पहले जैसा मजबूत नहीं है, न ही आचरणशील है। दोस्तों विपक्ष की मजबूती का मतलब सिर्फ संख्या बल से नहीं, विपक्ष संख्या में भले ही कम हो, मगर महत्वपूर्ण बात यह कि विपक्ष में लोग कैसे बैठे। यदि वो सच्चे नागरिक है तो शालीन बहस करेंगे, अन्यथा भारत को, हमारी संसद को लज्जा पूर्ण ढंग से शर्मनाक होने की बात करेंगे। दोस्तों संख्या में कम होते हुए पहले विपक्ष अपनी भूमिका को निर्वाह बखूबी करता था। दोस्तों इसके अलावा आज तो विपक्ष की स्थिति बन चुकी है कि विरोध सिर्फ दिखावे और औपचारिकता के लिए होता है। दोस्तों आमतौर पर पूरे देश के जनमानस में एक भावना घर करती जा रही है कि पक्ष विपक्ष सभी एक जैसे। दोस्तों पार्टी चलाने, प्रत्याशी तय करने सहित तमाम मामलों में थोड़े बहुत अंतर के साथ सबका रवैया एक है। और दोस्तों हकीकत तो यह है कि जब एक दिन मैंने ट्रेन में जाते हुए बहस छेड़ी कि क्या संसद हमारे लिए सोचती, संसद का जो रवैया उसके बारे में आपकी क्या सोच है, तो उनमें से कई बच्चे बैठे तो संसद के बारे में क्या कहते हैं, अंकल संसद तो वही है ना जहां पे जूतों पेजार होती है, जहां पर माइक फेंके जाते हैं, जहां पे जूते चप्पल चलते हैं। मैं निरुत्तर हो गया, मुझे मेरे सवालों को जवाब मिल चुका। दूसरा बच्चा बोलता है, अंकल ये वही है ना जहां पे पैसे पैसे का खेल खेला जाता है, रुपए रुपए खेले जाते हैं, उछाले जाते हैं। दोस्तों क्या मानवीय मूल्य बच्चों को देते जा रहे हैं संसद के माध्यम से, बताइएगा। दोस्तों हम संसद या गरिमा को तार तार नहीं कर रहे, जबकि हमारी जो पीढ़ी है, भावी पीढ़ी, उसके सामने हम ऐसे
उदाहरण पेश करते जा रहे हैं जो कि उनके लिए सही नहीं है, शुभ संकेत नहीं है देश के। दोस्तों सभी एक ही थाली के चट्टे बैठे हैं। आज जब चौराहे पे बातें होती थी पहले तो शालीनता आचारशीलता की बात होती थी, लेकिन आज बातें ऐसी होती हैं कि चाहे कोई सा पक्ष का हो शाम को दोनों एक साथ बैठकर चाय पानी पीते हैं। तो क्या पक्ष और क्या विपक्ष दोस्तों। और दूसरे दिन रात की जो बातचीत हुई उसका नजरिया, उसका नजारा सामने देखने को मिलता है कि रात को उन्होंने यही बात की होगी कि ये सवाल पूछना और मैं ये जवाब दूंगा। दोस्तों पहले कान कान खबर नहीं होती थी। और दोस्तों दूसरी बात कैसे तार तार होती है गरिमा मैं बताता हूं। दोस्तों पहले बजट की कान कान खबर नहीं होती थी और आज चंद रुपयों के आगे बजट की कॉपियां बाहर आ जाती है और उसकी वजह से आम जन को भुगतना पड़ता है, चीजें महंगी हो जाती है, काला बाजारी हो जाती है। ये संसद की गरिमा का आनंद नहीं है तो क्या है? दोस्तों प्रेस के लिए तो विशेषाधिकार बना दिया आपने, मीडिया के लिए तो, लेकिन सांसदों के लिए क्यों नहीं है? क्यों नहीं उन्हें निलंबित करने के अलावा और कठोर दंड दिया जाए? क्यों नहीं उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए जो ऐसा कर्म करते हैं? दोस्तों निलंबन ही महत्वपूर्ण नहीं है, उनके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि उनको पता लगे कि आचारहीनता का क्या फलसफा होता है। दोस्तों इसके अलावा सत्ता पक्ष के चरित्र में गिरावट आने पर जनता यदि विपक्ष को हाथों हाथ उठा ले तो सत्ता पक्ष भी अपने बारे में आत्ममंथन करने के लिए मजबूर हो जाएगा। मगर यहां तो स्थिति दोनों तरफ एक से एक। दोस्तों आज आवश्यकता इस बात की है कि संसदीय गरिमा की रक्षा के लिए सभी मिलकर प्रयास करें, न केवल सांसद न केवल सभापति, जबकि सारे नागरिक मिलकर भी, मतदाता मिलकर भी। दोस्तों एक चीज है, यदि एक समय सबने नोटा एक साथ दबाया तो इनकी आंखें भी खुल जाएगी कि ये क्या। दोस्तों बड़ी सोचनीय विषय है लेकिन गौर करने लायक है कि क्या संसद की यही गरिमा रहती है तो क्या वो विश्व गुरु के पद पर आसीन रह पाएंगे? क्या भारत के सर पर विश्व गुरु का जो तमगा था, जो मुकुट था, वो चमचमाएगा? क्या हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहे जाने के दम में अपना सर उठा पाएंगे? दोस्तों ये सवाल बहुत है, यक्ष प्रश्न है बहुत, लेकिन समस्या का समाधान एक है कि हमें सबको मिलकर इस समस्या का समाधान खोजना पड़ेगा, अन्यथा आने वाले दिनों में भारतीय लोकतंत्र कटघरे में खड़ा होगा और जवाब देने के लिए हमारे होठ सिले होंगे। दोस्तों विचार तो बिक गए हैं, अब आत्मा को तो बिकने से बचा लीजिए। दोस्तों ये हमारे सबके हित में है और आने वाली पीढ़ी के हित में है। दोस्तों आज का विषय जो था ये चिंतनीय विषय था। दोस्तों आपसे मैं एक ही आग्रह करूंगा, एक विनती करूंगा कि आप इस वीडियो को देखकर लोगों को जरूर शेयर करें ताकि उनको पता लगे कि हमारी संसद की क्या दुर्दशा हो रही है, दुर्दशा देखी नहीं जाएगी। इसलिए दोस्तों आज का विषय लेना पड़ा संसदीय गरिमा। दोस्तों हम सभी का यह उत्तरदायित्व है कि हम हमारे जो मंदिर है, संसद का जो मंदिर है, उसकी जो आबरू है उसको हम बरकरार रखें। इसमें ना मेरा ना आपका, हमारे पूरे देश का एक उत्तरदायित्व, एक जवाबदेही बनती है। तभी हम सच्चे नागरिक कहलाने के हकदार होंगे। दोस्तों कल मिलते हैं एक ऐसे ज्वलंत विषय के साथ, तब तक के लिए देखते रहेगा और इसको शेयर जरूर करना, इसमें आपका भी हित है और पूरे देश का भी हित है और आप इस महत्वपूर्ण यज्ञ में अपना योगदान देने जा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।